इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर एक बार फिर मौजू जर बहस है। अभी कहीं कारोबार संभलने की कगार पर थे, पर अचानक बढ़ते मरीजों के मद्देनजर कोरोना टेस्ट को लाजिम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से ऐलान तो काफी किए जाते हैं, काफी वादे किए जाते हैं, पर अमल नहीं होता और अमल नहीं किया जाता। बेलगाम से महाराष्ट्र या केरल जाने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी की हुई है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक सरहद पर महाराष्ट्र से कर्नाटक में दाखिल होने वालों की तफसील जारी है। कोरोना जांच नहीं है तो इन्हें कर्नाटक में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस फैसले पर महाराष्ट्र ने एतराज जताते हुए कहा कि मुसाफिरों पर इस तरह की सख्ती की जाएगी तो कर्नाटक से दाखिल होने वाले पैसेंजर्स पर महाराष्ट्र हुकूमत भी कोरोना जांच जरूरी करार देते हुए दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आखिर इस तरह की सख्ती से क्या हासिल करना चाहती है हुकूमतें? पहले से लॉकडाउन, कोरोना से सभी बेहाल हो चुके हैं, कारोबार ना के बराबर है, महंगाई आसमान छू रही है, गरीबों का जिंदा रहना ही मुश्किल होता जा रहा है, दो वक्त की रोटी भी गूंदने के लिए महंगे गैस की फिक्र सता रही है, पर हुकूमतों का मुकाबला लगा हुआ है कि अगर कोरोना की जांच नहीं है तो दाखिला नहीं दिया जाएगा। क्या हुकूमतें करोड़ों के ऐलान करती है तो गोवा, केरला या महाराष्ट्र के सरहदों पर महज थर्मल स्कैनिंग करके मुसाफिरों को दाखिला नहीं दे सकते? वहीं दूसरी तरफ सिविल अस्पताल में बजाय एक खिड़की के, यानी कि एक काउंटर के, कई काउंटर खोलकर कोरोना टेस्ट में सहूलतें फराहम नहीं कर सकती क्या? ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया जा रहा है। कहने का मतलब, क्या मुल्क की अवाम सुबह से शाम तक सिर्फ यहां से वहां दौड़ ही लगाती रहेगी? क्या सिर्फ कतार में खड़े होना ही अवाम की किस्मत में लिखा हुआ है? कभी राशन के लिए कतार, बैंकों में कतार, अस्पतालों में कतार, नौकरी के लिए कतार, बसों का टिकट हासिल करने के लिए कतार, रेल का टिकट हासिल करने के लिए कतार, हर जगह पर सिवाय कतार के क्या है? अब कोरोना टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारों से गुजरकर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ रहा है। आखिर हुकूमतों ने क्या पूरी जिंदगी कतार में अवाम को खड़ा करने का फैसला लिया ही है? टोल नाकों पर फास्टैग के लिए कतार से अवाम बेजार हो चुके हैं। बाज़ोकत बुजुर्ग बीमार लोग सफर करते रहते हैं जिन्हें महज फास्टैग की वजह से रोका जाता है। कहने का मतलब, किस तरह की सहूलतों को मुहैया कराया जा रहा है जिससे आवाम को राहत कम और तकलीफें ज्यादा हो रही है? एक बार फिर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने की बात कही जा रही है जिससे आवाम में एक बार फिर डर खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कोरोना की दूसरी लहर भी नाजिल होने की बात कह रहे हैं। पिछला रमजान महीना बड़ा ही आजमाइश वाला रहा, घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था, वैसे भी सभी घरों में बंद थे, लेकिन इस बार रमजान महीने को लेकर काफी उम्मीदें दिखाई दे रही है। पर एक बार फिर कोरोना मरीजों की बढ़ने की खबर रमजान महीने की खुशियां बरकात से कहीं फिर महरूम ना रहे का डर आवाम में देखा जा रहा है। क्या कोरोना रमजान के वक्त ही बढ़ जाता है? ऐसा भी सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। सवाल तो हर लिहाज से उठाए जा रहे हैं और उठाए जाएंगे। वैक्सीन को लेकर भी सवाल पूछे गए, यहाँ तक कि सफाई मजदूर सेहत महकमा ने भी वैक्सीन लगवाने से दूरियां इख्तियार की। यहाँ तक कहा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें तक दोबारा कोरोना के इम्कान पाए गए। अगर ऐसा है तो फिर वैक्सीन की कामयाबी को लेकर पीठ क्यों थपथपाई जा रही है? जो भी हो, एक बार फिर कोरोना के नाम से माहौल बनाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये वक्त ही बता देगा। पर आवाम को जिन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है इसकी तवज्जो हुकूमत की जानिब से लेनी होगी। ये कोई मुकाबला नहीं है कि कर्नाटक में महाराष्ट्र वालों को बिना कोरोना जांच दाखिल नहीं किया जाएगा, इसलिए महाराष्ट्र वाले भी कर्नाटक वालों की जांच के बिना दाखिला नहीं देंगे। ऐसे कई मजदूर है तो महाराष्ट्र में काम करते हैं तो सुबह जाकर शाम में वापिस आते, कई किसान है जिनकी सब्जी हर रोज सुबह बेलगाम में दाखिल होती है, जो महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर खेत है जिसकी हद महाराष्ट्र में आती है। बेहतर है कि कोई आसान रास्ता बनाए जिसमें गरीब मजदूर किसान तबका परेशान ना हो, वो दो वक्त की रोटी बड़ी आसानी से हासिल कर सके, वरना कोरोना से मरना तो बहुत दूर की बात होगी, भूख से ही मरने वालों की तादाद काफी होगी। और एक बात यह भी है कि जिस कदर जुर्म की वारदातों में इजाफा हो रहा है, ये भी वजह है कि जब बेरोजगारी बेकारी बढ़ जाती है तो जुर्म के रास्ते भी तवील होने लगते हैं और इसके लिए हुकूमत की गलत पॉलिसियां ही जिम्मेदार होती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।